हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप सभी सुन रहे हैं सूरज की कहानियाँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के डिमांड पर आज मैं लेकर आया हूँ कर्ण पिशाचिनी की बिल्कुल नई स्टोरी। ये पूरी तरह से न्यू है, इसमें कोई भी पुरानी वीडियो नहीं है। तो आप इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अगर आपको ऐसी ही लॉन्ग स्टोरीज चाहिए तो। दोस्तों के साथ इसको जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ऐसी खौफनाक कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी को सुनते हैं। जिस प्रकार से देवी देवताओं की योनियाँ होती हैं, उसी प्रकार से अन्य योनियाँ भी इस पृथ्वी पर होती हैं, जिसमें से एक है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी विद्या है जो साधक के कान में किसी का भी भूतकाल बताने में सक्षम होती है। यह एक घोर तामसिक विद्या है जिसे कई प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। इसको वाम मार्गी के द्वारा भी सिद्ध किया जाता है, जो कि बेहद खतरनाक और कठिन है। तो आज मैं आपको एक सत्य घटना बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और घृणित हो सकता है। तो इस कहानी को वही लोग सुने जो दिल के कमज़ोर ना हो, और यह केवल 18 साल के ऊपर वालों के लिए है। तो कृपया बच्चे ना सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारी घृणित और खौफनाक चीज़ों का वर्णन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो हम या तो कोचिंग सेंटर जाते हैं, या फिर जो उस चीज़ में अच्छी तरह से ज्ञान हासिल किया हो हम उसके पास जाते हैं। अगर हमको पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो हम टीचर्स के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह कर्ण पिशाचिनी साधना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर कोई इस प्रकार की साधनाएं करना चाहें तो एक बार ज़रूर बहुत ही अच्छे साधक से इस बारे में चर्चा करें, क्योंकि फिर वही साधक आपको बता सकता है कि आप इस साधना के लिए तैयार हैं कि नहीं। लेकिन जिस किसी ने भी बिना किसी साधक के इस तरह की साधनाएं करनी चाहिए तो आखिर में उसका अंत ही होता है। तो आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक गरीब मोची कर्ण पिशाचिनी साधना करता है, वो भी बिना किसी साधक के। फिर उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आता है, और क्या वो कर्ण पिशाचिनी साधना पूरी कर पाता है, और आखिर में कैसे उसका बुरी तरह अंत होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना। तो आइए आगे की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम देवता दीन है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं पेशे से एक मोची हूँ और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम लालमणि है और मेरा एक 15 साल का बेटा भी है। आज से 3 साल पहले मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं अपना मोची का काम करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे मेरा घर उसी से सुख और शांति से चलता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज मेरा जीवन पूरी तरह से नाश हो गया है। अब मैं एक अपाहिज और कोढ़ी बनकर रह गया हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि कब यमराज आकर मेरी जान निकाल कर चला जाए। लेकिन अब मैं मौत के लिए तरसता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मौत नहीं आती, और इसका केवल एक ही कारण है, वो है कर्ण पिशाचिनी। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ जो मेरे जीवन में इतना भयंकर बदलाव आ गया। तो आइए मैं आपको 3 साल पहले की कहानी बताता हूँ। बिलासपुर के छोटे से गांव में मेरा एक छोटा सा घर था, और उसी घर के बाहर मैंने मोची की दुकान खोल रखी थी। मेरा ये काम ठीक ठाक चल जाता था और दिन भर में मुझे 100-200 रुपए मिल ही जाता था। इतने पैसे मेरे लिए पर्याप्त थे, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मुझे ताना मारा करती थी और हमेशा लड़ाई किया करती। मैं उसे हमेशा यही समझाता कि अब क्या करें, इस काम में केवल इतने ही पैसे मिल पाते हैं। मेरा बेटा सरकारी स्कूल में जाता था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोचता
कि मैं भी अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, उसे अच्छा इंसान बनाऊँ ताकि बड़ा होकर वो ये काम ना कर सके। मैं अपने जीवन में काफ़ी परिश्रम करता था लेकिन मेरी बीवी को मेरी मेहनत नहीं दिखती थी। वो हमेशा मुझसे लड़ाई किया करती क्योंकि उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी। वह मुझसे हमेशा बड़ा घर, अपने लिए मेकअप का सामान, गहने, साड़ी ये सब लाने को कहती। लेकिन आप ही बताइए कि रोज़ 100-200 रुपए कमाने वाला इंसान कैसे इन सभी चीज़ों को पूरा कर सकता है, जिसकी वजह से वो कई बार अपने मायके भी चली जाती। फिर मैं अकेला घर में अपने से खाना बनाता और अपना जीवन बिताता। वो कई बार तो 2-2 महीने के लिए अपने मायके चली जाती और मेरे बेटे को भी अपने साथ लेकर चली जाती। बस इसी तरह से मेरी ज़िंदगी चल रही थी। फिर एक दिन की बात है जब मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। एक दिन मैं अपने दुकान में बैठकर काम कर ही रहा था, तभी एक कबाड़ी वाला टाली में बहुत सारे कबाड़ लेकर मेरे दुकान के सामने से गुजरा। उस कबाड़ में से एक किताब गिरी तो मैंने उस कबाड़ी वाले को आवाज़ लगाई, अरे ओ भैया, तुम्हारी किताब गिर गई है, सुनते हो? लेकिन उस कबाड़ी वाले को जैसे मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैं काफ़ी देर तक उसको आवाज़ लगाता रहा लेकिन जैसे वो मेरी बातों को अनसुना करके अपने में ही मगन टाली चलाता हुआ काफ़ी दूर चला गया। फिर मैं अपनी दुकान से उठकर उस किताब को उठाने के लिए गया। जब मैंने उस किताब को उठाया तो वो किताब काफ़ी ज़्यादा भारी और पुरानी लग रही थी और उसके ऊपर लिखा था, कर्ण पिशाचिनी साधना। मैंने मन में सोचा कि ये कैसी किताब है और ये कर्ण पिशाचिनी साधना क्या होती है। फिर मैंने मन में सोचा कि चलो इस किताब को मैं बाद में पढ़ लूँगा और अपनी दुकान में आकर इस किताब को अपने बगल में रख दिया। फिर एक दो आदमी आए जिन्होंने अपने फटे हुए जूते और चप्पलों को मुझे सिलने के लिए दिया। यह काम करते करते मुझे दोपहर के 2:30 बज चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी दुकान मेरे घर के बाहर ही थी, तो मैं घर में गया और जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था मैंने वो खाना खा लिया। इसी बीच कुछ दिनों पहले मुझसे मेरी पत्नी की लड़ाई हुई थी और मुझे पता था कि इस बार वो 1-2 महीने के बाद ही आएगी। साथ में वो मेरे बेटे को भी लेकर गई हुई थी, जिसकी वजह से पूरे घर में केवल मैं ही था। खाना पीना खाने के बाद जब मैं फिर से अपनी दुकान में बैठा तो उस टाइम दोपहर का समय था और उस समय कोई भी ग्राहक मेरी दुकान में नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इस किताब को ही पढ़ लिया जाए कि आखिर ये कर्ण पिशाचिनी साधना है क्या। जब मैंने उसका पहला पन्ना खोला तो उसमें एक चेतावनी लिखी थी कि सावधान, इस किताब को केवल वही पढ़ें जो दिल के कमज़ोर ना हो। उस किताब में आगे लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी साधना को जिसने भी सिद्ध कर लिया तो उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी और कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी विद्या है जो साधक के कान में किसी का भी भूतकाल बता सकती है। इतना पढ़कर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगी कि अब मेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और निराश भी हो गया। आगे लिखा था, इस साधना को करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसमें से पहली बात तो यह है कि कर्ण पिशाचिनी साधना चालू करने के बाद या तो मैं सफल हो जाऊंगा या फिर वो मुझे मार डालेगी, ये मेरी क्षमता के ऊपर है। दूसरी बात ये कि साधना को करने के बाद मुझे पूजा पाठ, गायत्री मंत्र सब कुछ छोड़ना होगा क्योंकि पिशाचिनी उन स्थानों पर नहीं रह सकती जहां पर देवी देवताओं की पूजा होती है या गायत्री मंत्र का जाप होता है। इसलिए पिशाचिनी को प्राप्त करने के लिए मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात ये थी कि कर्ण पिशाचिनी की साधना पत्नी के रूप में ही की जाती है। साधना के पश्चात वह मुझसे पत्नी का सुख चाहेगी और वो मुझे देना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं किसी और स्त्री से संबंध नहीं रख सकता, वह मुझे ऐसा करने ही नहीं देगी और अगर गलती से मैंने ऐसा कर लिया तो उस स्त्री की मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब जब तक पिशाचिनी मेरे साथ रहेगी तब तक मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने फिर मन में सोचा कि मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका है,
फिर मैंने काफ़ी देर तक सोच विचार किया। उसके बाद मैंने एक ही रास्ता निकाला कि मैं ये साधना करके रहूँगा, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने उस किताब को और आगे पढ़ना चाहा, तभी एक ग्राहक आ गया। फिर मैंने उस किताब को बंद किया और अपने काम में जुट गया। लेकिन मेरा मन अब उस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहा था। किसी तरह मैंने वो काम जल्दी जल्दी निपटा दिया और अपने काम से फुर्सत हो गया। उस दिन मैंने अपनी दुकान जल्दी ही बंद कर दी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने खाट पर बैठकर आगे पढ़ना शुरू किया। इस किताब में लिखा था कि मूल साधना केवल 3 दिन की है, लेकिन उसके 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक उससे संबंधित क्रियाओं को करना जरूरी था, जो वाकई काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। इसमें मनुष्य की हड्डियों से बनी हुई माला की जरूरत थी, और सबसे भयानक बात यह थी कि मुझे शमशान में जाकर इन हड्डियों को इकट्ठा करना था, और जब 108 हड्डियाँ हो जाएं, तो इनको 54 हड्डियों की 2 माला बनाकर अपने पास रखनी थी, और ये सबसे मेन चीज़ थी। इसके अलावा दीपक और तेल की आवश्यकता थी। जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि यह सब कितना कठिन है, और इस किताब में जो चेतावनी लिखी थी वह आखिर क्यों लिखी थी। मैंने उस किताब को आगे पढ़ना बंद कर दिया और अब दुकान भी मैं ढंग से नहीं खोलता था। बस अपने खाट पर पड़ा रहकर इस साधना के बारे में सोचता रहता, जो कि मेरे दिमाग में पूरी तरह से घूम रहा था। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गया। अब मुझे केवल एकांत कमरे की तलाश थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरा घर गाँव के सबसे आखिरी छोर पर था और वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। जब मैं दुकान खोला करता, तभी एकाध दो ग्राहक आते, नहीं तो पूरा दिन सन्नाटा रहता। फिर मैंने अपने घर की अच्छे से साफ सफाई की, और मेरे घर की सबसे खास बात यह थी कि उसमें एक भी खिड़की नहीं थी, केवल एक दरवाज़ा था, वो भी लकड़ी का। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरी पत्नी तो सीधा 1 या 1.5 महीने के बाद ही आएगी, और इस साधना को करने के लिए मुझे केवल 23 से 24 दिन ही लगेंगे। तो मैं इसलिए निश्चिंत हो गया कि मुझे परेशान करने वाला अब कोई नहीं होगा, और मैं आराम से अपनी ये साधना पूरी कर सकूंगा। ये केवल 3 दिन की साधना थी, जो कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को संपन्न करनी थी। लेकिन इसका विधान 10 दिन पहले से शुरू हो जाता था, और अमावस्या के 10 दिन बाद तक उसे पूरा करना था। इसके बाद कमरे में सामान के नाम पर खाना बनाने का 1 बर्तन, 1 थाली, गिलास और राशन था। साथ ही एक चटाई थी जिस पर मैं सोता था, और एक चादर जो आधी फटी थी वह मेरा ओढ़ना थी। त्रयोदशी से मैंने नहाना और ब्रश करना बंद कर दिया। इसके अलावा जिस चटाई पर मैं सोता था उसे मोड़कर नहीं रखता था, और ना ही चादर को मोड़ता था। वह उसी प्रकार से पड़ी रहती जिस प्रकार से सोकर उठने पर होती है, और वापस रात में उसी में सो जाता था। खाना बनाने का बर्तन और खाना खाने का 1 ही थाली थी। दोनों खाना बनाने के बाद और खाना खा लेने के बाद वैसे ही छोड़ देता था, उसे ना तो साफ करता और ना ही धोता। जूठे बर्तन में अगले दिन का खाना बनाता और उसी जूठे बर्तन में खाना खाता। जब ये सब मैं करता तो मुझे अपने ऊपर बहुत घृणा आती। लेकिन अब मेरी स्थिति यह थी कि मैं कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए जूठे बर्तन में खाना पका रहा था और जूठे बर्तन में भोजन कर रहा था। उसी प्रकार मैं बिना नहाए धोए अपनी दुकान में मोची के कार्य के लिए बैठता। लोग आश्चर्य करते कि यह कैसा इंसान है जो कि बिना नहाए धोए बैठा हुआ है। लेकिन विधि के अनुसार अपना रोजमर्रा का कार्य करते रहना जरूरी था, इसलिए मैं वैसा ही करता था। मेरी इन्हीं हरकतों से लोगों के बीच मेरा मजाक बनने लगा था, और अगर मेरी दुकान में कोई आता भी तो मेरी इस परिस्थिति को देखकर मुझे उल्टा सीधा बोलकर चला जाता था कि यह कैसा इंसान है भला, भले ही तू गरीब है लेकिन कम से कम साफ सफाई का तो ध्यान रखा कर। इतना बोलकर वह इंसान मुझे काम भी नहीं देता, और वहाँ से मुझे खरी खोटी सुनाकर चला भी जाता। मुझे यह सब सुनकर बड़ा ही दुख होता था, लेकिन फिर भी मैं गुस्से का घूंट पीकर रह जाता और मन में यही सोचता कि चलो आज मेरा दिन गिरा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में
मैं इन्हीं लोगों को सबक सिखाऊंगा। इसी प्रकार मेरा दिन आगे बढ़ता गया। मैं स्नान नहीं करता था और न ही ब्रश करता था, लेकिन अपना मोची का कार्य करने के लिए वहां जाकर बैठता जरूर था। लेकिन पहले की तरह अब मेरी दुकान में कोई भी नहीं आता था। पहले तो दो तीन लोग आ भी जाते थे, लेकिन अब मेरी ये हालत देखकर लोग मुझे कोई काम ही नहीं देते थे। इस प्रकार से 10 दिन गुजर गए और अब लोगों को लगने लगा कि शायद इसकी बीवी छोड़कर इसको चली गई है, इसलिए अपनी बीवी के चक्कर में ये पागल हो गया है और बिना नहाए धोए अपनी दुकान में बैठता है। ये सारी बातें जब मैं सुनता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता। इसी प्रकार चलते चलते त्रयोदशी की तिथि आ चुकी थी और उसी दिन से मुझे साधना प्रारंभ करनी थी। ये 3 दिन अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या साधना के प्रमुख दिन थे। इन 3 दिनों में मुझे भोजन और पानी के स्थान पर स्वयं के मल मूत्र का सेवन करना था। ये बेहद जटिल और कठिन कार्य था, लेकिन उस किताब के अनुसार मुझे यही सब करना था और इन 3 दिनों तक उस कमरे से बाहर भी नहीं निकलना था। मल मूत्र का विसर्जन भी उसी कमरे में करना था। त्रयोदशी के दिन दोपहर में भूख लगने पर मैंने अपना ही मल ग्रहण किया। जब मैं ये सब करता तो मुझे बहुत घृणा आती कि मैं इस साधना के लिए आखिर क्यों तैयार हो गया। इससे अच्छा तो मैं अपने जीवन में रूखी सूखी रोटी खाकर ही किसी तरह अपना जीवन चलाता था, लेकिन अब मैं एक ऐसे मार्ग पर चल चुका था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, और अगर मैंने ये साधना बीच में ही छोड़ दी तो इससे मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए अब मुझे आगे बढ़ते रहना था। फिर दोनों हड्डियों की माला निकाल कर मैंने अपने कमरे में रख ली थी। रात का समय हो गया। हड्डियों की एक माला मैंने अपने गले में धारण कर ली थी, दूसरी माला जाप करने के लिए रखी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों मालाओं में 54 हड्डियों के मनके थे। रात लगभग 9 बजे के आसपास मेरा मंत्र जाप शुरू हुआ। मुझे रात भर में 54 माला मंत्र जाप करना था और किसी भी परिस्थिति में मुझे तीनों दिन इस प्रकार से 54 माला मंत्र जाप पूरा करना था। अगर किसी भी दिन यह 54 माला जाप पूर्ण नहीं हो पाता तो कर्ण पिशाचनी मुझे मार डालती। फिर रात को लगभग 1 बजे का समय रहा होगा जब मुझे जोर से पेशाब करने की इच्छा हुई। उस किताब के नियम अनुसार आसन से नहीं उठना था और ऐसी कोई भी स्थिति आने पर आसन पर बैठे ही बैठे वो कार्य पूरा करना था। मैंने आसन पर बैठे ही बैठे मूत्र त्याग किया, लेकिन मेरा मंत्र जाप जारी था। उस रात कई बार मल मूत्र का त्याग हुआ और वही उसी आसन पर मुझे ये सब करना पड़ा। इतना ही काफ़ी नहीं था, उसे अपने शरीर पर भी लगाना था, और ये सब करते हुए मुझे सच में बहुत घिन आ रही थी। मुझे अब कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब या तो मुझे साधना पूरी करनी थी या अपनी जान से हाथ धो बैठना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी जान सबको प्यारी होती है, वैसे मुझे भी प्यारी थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी वो सब करने के लिए मजबूर था। इसी प्रकार विचित्र अवस्था में मंत्र जाप चलता रहा और कमरे के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में मौजूद है। वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन ये बात तो अच्छे से कंफर्म थी कि कमरे में कोई ना कोई तो मौजूद है। ये बात मन में आते ही काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन डर से कांपते हुए भी मैंने मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा। फिर एक अजीब सी स्त्री कमरे में दिखाई देने लगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फुट के आसपास रही होगी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल के ऊपर चमड़ी लपेट दी गई हो। उसका रंग बिल्कुल वैसा ही काला था जैसे कोयले का होता है। उसके हाथ पाँव बांस के पतले डंडों की तरह लग रहे थे और उसका चेहरा काफ़ी बड़ा सा था। उसके बाल कमर तक बिखरे हुए थे और नुकीले दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वह काफ़ी देर तक मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखती रही और उसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से मेरा बाल पकड़कर खींचा और गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दो चार दांत अपनी जगह से हिल गए,
लेकिन ये चीज़ इतने में ही ख़त्म नहीं हुई। वो हर 10-15 मिनट में मेरे ऊपर कभी तमाचा मारती, तो कभी मेरा बाल पकड़कर खींचती, तो कभी मेरे ऊपर लातों की बौछार कर देती। यही नहीं, अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने मेरे शरीर को नोचना शुरू कर दिया। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर नाखून के निशान मौजूद नहीं थे। हर जगह दर्द हो रहा था, लेकिन रात भर यही चलता रहा। किसी प्रकार से मेरा मंत्र जाप सुबह 6 बजे तक पूरा हो गया। अब मैं बुरी तरह से थक चुका था। उसके बाद मैं वही उसी आसन पर थकान की वजह से लेट गया और मुझे नींद लग गई। दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। कमरे की हालत को देखकर मुझे बहुत घिन आ रहा था। हर तरफ मलमूत्र बिखरा हुआ था और उसके सामने वो हड्डी की माला पड़ी हुई थी जिससे मैं मंत्र जाप कर रहा था। दूसरी हड्डी की माला मैंने गले में धारण की हुई थी। मैं किसी प्रेत या पिशाच की तरह उस गंदे बदबूदार कमरे में पड़ा हुआ था। कमरा पूरा बदबू से भरा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे उल्टी होने लगी और अब मुझे बड़े जोरों की प्यास लग रही थी। फिर मैंने अपना ही मूत्र पिया और अपनी प्यास बुझाई और फिर मैं लेट गया। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया हो। मैंने आँख खोलकर देखा तो एक महिला खड़ी हुई थी जो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसे देखने से उसकी आयु लगभग 24 से 25 साल की लग रही थी, जिसकी ऊंचाई 6 फुट के आसपास रही होगी। उसके बाल रूखे रूखे से थे, दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी थी और उसके स्तन काफ़ी बड़े बड़े थे और कमर से नीचे का हिस्सा भी काफ़ी फैला हुआ था। उसका रंग गहरे काले रंग का था। वो औरत कुछ देर तक उसी प्रकार से खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। फिर वह मेरे पास आकर मेरे चक्कर लगाने लगी, लेकिन मैं शांत अवस्था में उसी प्रकार लेटा हुआ था। थोड़ा समय और गुजरा होगा और तभी वह आगे बढ़कर मेरे बगल में आकर लेट गई। मैंने खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कस के जकड़ लिया था और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो मुझे पूरा दबा ही डालेगी। फिर उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और उसका हाथ फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा और आगे बढ़कर उसने मेरे गुप्त अंग को पकड़ लिया। कम से कम 15-20 मिनट तक वह मेरे साथ इसी तरह की बेशर्मी वाली चीज़ें करती रही और मैं चुपचाप बिना कुछ बोले डर के मारे लेटा हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गई। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन चतुर्दशी की रात को फिर से मेरी साधना शुरू हुई। दिन की घटनाओं के बाद मैं काफ़ी विचलित था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, साधना शुरू करने के बाद उसे बीच में छोड़ना असंभव था, इसलिए मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। कमरा दुर्गंध से भरा हुआ था, लेकिन मेरा मंत्र जाप जारी था। लगभग 2-2.5 घंटे का मंत्र जाप हुआ होगा जब मेरे कमरे का वातावरण एक अजीब सी खुशबू से भर गया। फिर कदमों की आहट आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कमरे में कोई है, लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खुशबू तेज होती जा रही थी, पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। अब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही कमरा है जिसमें मल मूत्र की बदबू आ रही थी। आधी रात के आसपास कमरे में एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास की लग रही थी। वह पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसके गले में हड्डियों की माला पड़ी हुई थी। वह काफ़ी भारी शरीर की थी। स्तन भी काफ़ी बड़े बड़े और लटके हुए थे। चेहरा बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। वह आकर मेरे बगल में बैठ गई। उसकी जांघ और मेरी जांघ आपस में टकरा रही थी। अब मेरी हालत खराब होती जा रही थी और उस अवस्था में भी मुझे उत्तेजना होने लगी थी। तभी वह उठकर मेरी गोद में आकर बैठ गई और अपना दाहिना हाथ उसने मेरे गर्दन में लपेट दिया और मेरे गाल को चूमने लगी। अब मैं मंत्र जाप कर रहा था, लेकिन अटक अटक कर। तभी अचानक वहीं बैठे बैठे उसने मूत्र त्याग कर दिया। वो उसी प्रकार मेरी गोद में बैठी रही और हर 15-20 मिनट के बाद मूत्र त्याग करती रही। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद उसने वहीं बैठे बैठे मल त्याग भी कर दिया, जैसे उठाकर कुछ वो अपने शरीर पर लेप लेती और कुछ मेरे ऊपर लगा देती। उसका लिपटने और उल्टी सीधी हरकतें करने की प्रक्रिया चलती रही।
फिर लगभग 3 बजे के आसपास वो गायब हो गई। उस दिन मेरा मंत्र जाप इन सभी क्रियाओं की वजह से थोड़ा देर तक चला और सुबह 6:30 बजे मेरा मंत्र जाप पूरा हुआ। अब मैं पूरी तरह से थक चुका था और ठीक उसी तरह मैं अपने आसन पर लेट गया। फिर मेरी आंख दोपहर के लगभग 2:30 बजे खुली, जब मुझे कमरे में किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे गुप्त अंग को पकड़ा हुआ है। वो अमावस की तिथि थी। मैंने आँख खोलकर देखा तो पहले दिन वाली सांवले रंग की स्त्री वहाँ मौजूद थी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसे देख के मुस्कुराया। फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगी और उसने मेरे साथ संभोग किया और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। फिर से रात हुई और ये अमावस की रात थी, यानी साधना की आखिरी रात, वो रात जिसमें आर पार का फैसला होना था। या तो पिसाचनी सिद्ध होती या फिर मैं उसका शिकार बन जाता। मेरे मंत्र जाप शुरू करते ही फिर से वही स्त्री प्रकट हो गई और मेरे सामने आकर बैठ गई। लगभग 1-1.5 घंटे का मंत्र जाप हुआ होगा तब वह उठी और ठीक उसी प्रकार मेरी गोद में आकर बैठ गई जैसे कल बैठी थी। फिर वो उठी और वो मेरी पीठ पर अपने बड़े बड़े नाखूनों से खरोचने लगी। उसके नाखून लगभग मेरे रीढ़ की हड्डी को छू रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपना हाथ डालकर मेरी रीढ़ की हड्डियों को निकाल देगी। लेकिन फिर उसने मुझे छोड़ दिया और एक जोरदार हंसी के साथ हंसने लगी। अब मेरी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। उसके बाद वो मेरे गुप्त अंग को मसलती रही, कभी बाल पकड़कर खींचती, कभी गाल पे जोरदार थप्पड़ मारती। ऐसी ही क्रियाएं चलती रही और मैं मंत्र जाप करता रहा। आधी रात गुजर जाने के बाद वह फिर से मेरी गोद में आकर बैठ गई और उसी प्रकार से मल मूत्र त्याग करते हुए वहीं बैठी रही। बीच बीच में वह अपना नाखून कभी मेरे शरीर में तो कभी मेरे अंग में गड़ाती रही। जब मेरा 54 माला का मंत्र जाप पूरा हो गया तो वह मेरे सामने आकर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है और अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। इतना कहकर उसने अपने गले में पड़ी हुई हड्डियों की माला मेरे गले में डाल दी और मेरे गले में पड़ी हुई हड्डियों की माला अपने गले में डाल दी और कहा, इस प्रकार से हमारा पति पत्नी का संबंध हो गया है। अब जब भी मुझे भोग की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारे पास हर 15 दिन के बाद आऊँगी और तुम्हें मुझे संतुष्ट करना ही होगा। जब भी तुम कुछ जानना चाहोगे तो मैं तुम्हारे कान में उसका जवाब दे दूंगी, लेकिन मेरे विषय में अगर तुमने किसी को भी बताया या मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश की तो ये निश्चित मान कर चलो कि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगी। उसके बाद वह मेरे करीब आई और मुझे चूमने लगी। फिर उसने मेरे साथ काफ़ी देर तक संभोग किया और मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो मेरे शरीर की पूरी ताकत को निचोड़ रही है। जब वह संतुष्ट हो गई तब वो वहाँ से गायब हो गई। थकान की वजह से मैं उसी प्रकार वहीं पड़ा रहा। अब मैंने कर्ण पिसाचनी साधना पूरी कर ली थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर मैंने अच्छे से नहाया धोया, तब जाकर मन को कुछ शांति मिली। फिर मैंने अच्छे से घर की साफ सफाई की। मेरे गले में उस कर्ण पिसाचनी की माला थी और उस माला को मुझे हमेशा पहने रखना था, तभी कर्ण पिसाचनी से मेरा संपर्क बना रहता। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी प्रकार चलता रहा। ना तो मैं कपड़े बदलता और ना ही ब्रश करता, साथ में ही कुछ मात्रा में अपना मल मूत्र रोज ग्रहण करता और साथ में जूठे बर्तन में खाना भी खाता रहा। एकादशी को साधना पूर्ण हो गई। फिर मैंने रगड़ रगड़ कर अपने आप को साफ किया और पानी में खूब देर तक नहाता रहा। अब मेरी साधना पूरी हो चुकी थी और अब बारी थी कि यह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बहुत दिनों के बाद अपनी मोची की दुकान फिर से खोली। तभी मेरे गांव का एक आदमी मेरे पास आया और बोला, अरे भाई देवता दीन, इतने दिनों से तुम कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए। फिर मैंने कहा, अरे मैं अपने ससुराल चला गया था अपनी बीवी को वापस लाने के लिए, लेकिन वो वापस आने से मना कर रही है। फिर उस आदमी ने कहा, भाई मेरे जूते फट गए हैं, जरा इनको सिल दो। फिर उसने अपने जूते उतारे और मुझे दे दिए। जूते उतार कर वह चबूतरे के पास जाकर उदास बैठ गया। मैं उसका जूता सिल ही रहा था
तभी मेरे मन में अपने आप ये सवाल आया कि आखिर ये उदास क्यों है। तभी मेरे कानों में धीरे से एक औरत की आवाज़ आई, केस की बहन शादी के मंडप से भागकर अपने प्रेमी के साथ दूसरे गांव में बसी हुई है और यह अपनी बहन को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा है, लेकिन इसकी बहन इसको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसकी बहन तीन गांव छोड़कर एक छोटे से मकान में अपने प्रेमी के साथ रह रही है। फिर उस कर्ण पिशाचिनी ने मुझे उसका पूरा ब्यौरा बताया कि कहाँ कहाँ कौन सा रास्ता है। उसने बताया कि उस गांव में छंगू हलवाई के बगल वाली गली में 5 मकान छोड़कर हरे वाले मकान में उसकी बहन अभी किचन में खाना बना रही है और उसका पति गांव में फेरी करने गया हुआ है। ये सब सुनते ही मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि मुझे ये सब कैसे पता चल गया। फिर मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया और बोला, भाई मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हो। तो उस आदमी ने बोला, अरे देवता दीन, तुम्हें कुछ नहीं पता कि आखिर मेरे साथ क्या क्या हुआ है। फिर मैंने कहा, भाई मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन शादी के मंडप से अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। इतना सुनकर वो आदमी हैरान हो गया। फिर मैंने आगे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है और अभी वो क्या कर रही है। उसने कहा कि तुम्हें यह सब कैसे पता। तो मैंने कहा कि बस मुझे पता है, अगर अपनी बहन को वापस लाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर मैंने उसको पूरा रास्ता अच्छे से बताया कि तुमको कहाँ जाना है। वो तुरंत ही अपनी बहन को ढूंढने के लिए 2-3 लोगों को साथ लेकर चला गया। उसके बाद मैं फिर से अपने काम में जुट गया और मन ही मन में काफ़ी खुश हो गया। फिर करीबन शाम के 5 बजे तक वो आदमी वापस आया और उसने मुझे 2,500 रुपये का इनाम दिया और कहा, भाई देवता दीन, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझको वापस मिल गई है और मेरी तरफ से ये एक छोटा सा उपहार है। 2,500 रुपये देकर वो वहाँ से वापस चला गया। अब मेरे मन में इतनी ज़्यादा खुशी होने लगी थी कि जो इंसान मुश्किल से 100-200 रुपये एक दिन में कमाता था, उसे कर्ण पिशाचिनी की मदद से एक दिन में ही 2,500 रुपये मिल गए। उसके बाद मैं अपने ससुराल गया और साथ ही कुछ फल वगैरह लेकर गया, जिसे देखकर मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो गई। फिर मैंने उसको कुछ पैसे दिए और वहाँ से वापस आने के लिए मना लिया। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी बाकी थी। जब से मेरी बीवी घर आई थी तब से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और इधर कर्ण पिशाचिनी हर 15-20 दिन में आती और मेरे साथ संभोग करके चली जाती। उसने मुझे चेतावनी दी कि मुझे किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना है और अगर मैंने ऐसा किया तो वो इस स्त्री को मार डालेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब मैंने मोची की दुकान की जगह ज्योतिषी का कार्य शुरू कर दिया। फिर एक दिन एक औरत आई, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो औरत हमारे गांव के प्रधान की पत्नी थी। वह रोते हुए आई और मुझसे बोलने लगी कि मैंने तुम्हारे बारे में गांव वालों से बहुत कुछ सुना है, क्या तुम मेरे पति को ढूंढ सकते हो। मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं, मैं उन्हें काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ मगर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे पति कहाँ पर हैं। तो मैंने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि आप परेशान न हो, मैं आपके पति को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, आप मुझे बस 5 मिनट का समय दीजिए। फिर मैंने आंखें बंद की और मन में वही सवाल किया, हे देवी मुझे बताओ कि इसका पति कहाँ गया हुआ है। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया। उसने बताया कि इसका आदमी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक शहर में भीख मांग रहा है। इसका पति एक वैश्या के चक्कर में फंस गया था और उस वैश्या ने इस आदमी का बहुत सारा पैसा खाया और फिर इसको शहर में बुलाकर इसके सारे पैसे लेकर इसको कुछ गुंडों से मरवाकर नदी के किनारे फेंकवा दिया। जब इसको होश आया तब वह बुरी तरह से जख्मी था और उसके पास पैसे ना होने के कारण वह भीख मांगने लगा और वह अपने गाँव वापस भी नहीं आ सकता था। फिर कर्ण पिशाचिनी ने बताया कि वह एक बहुत ही बड़े हनुमान मंदिर के सामने भीख मांग रहा है। ये सब सुनने के बाद मैंने आंखें खोली और फिर उस औरत को सारी बात पूरी डिटेल में बता दिया। तो उस औरत ने मेरे पैर पकड़े और कहा, भाई अगर मेरा पति मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये इनाम दूंगी। इतना सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया।
फिर वो औरत भी अपने पति को ढूंढने निकल पड़ी और तकरीबन 3 दिन के बाद वो औरत अपने पति के साथ मेरे घर पर आई और उसने मुझे 1,00,000 रुपए दिया और मुझसे ये सवाल भी किया कि भाई देवता दीन, तुमको ये विद्या कहाँ से प्राप्त हुई। तो मैंने बात को टालते हुए कहा कि ये सब भगवान की कृपा है जो मुझे ये सब दिखाई देता है और कुछ नहीं। मैंने किसी तरह से बात को संभालते हुए उन्हें विदा कर दिया। दूसरी तरफ मेरी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होने लगी क्योंकि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और मेरा बेटा भी अब प्राइवेट स्कूल में जाता था। अब मेरी पत्नी मेरे काफ़ी करीब आने लगी थी लेकिन मैं उससे दूर जाने की पूरी कोशिश करता क्योंकि कर्ण पिशाचनी ने मुझे चेतावनी दे रखी थी कि मैं किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता। एक रात जब मेरी पत्नी मेरे करीब आकर मुझसे लिपटने लगी तो मैं भी अपने आप को रोक ना पाया और उसके साथ मैंने संभोग कर लिया, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मेरी पत्नी की हालत काफ़ी ख़राब रहने लगी और दिन पर दिन वह सूखने लगी, जैसे कि उसके शरीर से पूरा खून कहीं गायब हो रहा है। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया तो पता चला कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हो गया है और अब वह बच नहीं पाएगी क्योंकि यह उसका लास्ट स्टेज था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये सब वो कर्ण पिशाचनी कर रही थी। फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी अब इस दुनिया से चल बसी है। कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी थी कि चलो कम से कम एक टेंशन तो गई, लेकिन दुनिया वालों के सामने मैं ये दिखा रहा था कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। फिर मैंने अपने बेटे को अपने ससुराल भेज दिया और मैं अपने गाँव वापस आ गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर मेरे मन में ये सवाल आया कि इस गांव में मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना मैंने सोचा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाऊँ, शायद मेरा भाग्य वहां से चमक उठे। फिर मैंने शहर में जाकर एक चाय की दुकान के बगल में ही एक छोटा सा मकान ले लिया। उस मकान के आगे मैं अपना ज्योतिषी का कार्य करता और उसी मकान में मैं अपना रात गुजारता। मेरे मकान के बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसमें एक बाप और बेटी काम करते थे। उस चाय वाले की बीवी नहीं थी, उसकी केवल एक ही बेटी थी जो तकरीबन 27 या 28 साल की थी और चाय की दुकान में वह उसकी मदद किया करती थी। अब मेरा ज्योतिषी का कार्य बहुत अच्छे से चलने लगा था क्योंकि जो भी आता मैं उसके बारे में सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट बताता, जिससे मेरा नाम उस शहर में फैलने लगा था। चाय की दुकान मेरे बगल में ही थी तो मैं लगभग 15 से 20 कप चाय पी जाता था और इसी बहाने उस चाय वाले की दुकान भी काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। चाय का प्याला देने के लिए उस चाय वाले की बेटी ही आती थी। मैं था तो एक नौजवान आदमी जिसकी वजह से उस चाय वाले की बेटी मुझे मन ही मन पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे मेरी और उसकी बातें बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं मैं भी उसको पसंद करने लगा। एक दिन वह लड़की चाय देने के बहाने आई और मुझसे बोलने लगी कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। तो मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो उसने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी शादी किससे और कब होगी। तो मैंने कहा कि जिसको तुम पसंद करती हो कहीं ना कहीं वह भी तुमको पसंद करता है और तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। इतना सुनकर वो शर्मा गई और मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो वापस अपने दुकान में चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ये सारी बातें अपने पिताजी को बता देगी। शाम को उसके पिताजी मेरे पास आए और बोले कि देखिए महाराज, आप भी नौजवान युवक हैं और मेरी बेटी भी जवान है, आप अच्छा खासा काम भी करते हो और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो ये मेरा भाग्य होगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुविधा में फंस गया क्योंकि कर्ण पिशाचनी ने मुझे मना किया था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि उस चाय वाली की बेटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो मैंने उस चाय वाले से हाँ कर दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा और ठीक 3 दिन के बाद मेरी उसके साथ शादी हो गई। और फिर सुहाग रात वाले दिन मैंने उसके साथ वो सारी चीज़ें की जो कि कर्ण पिशाचनी ने मुझे करने के लिए मना किया था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसकी खूबसूरती में डूब चुका था कि मुझे होश ही नहीं था कि मैंने उसके साथ संभोग कर लिया है। उसके बाद मैंने फिर से अपने दुकान में बैठना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब कर्ण पिशाचनी
मेरे साथ संभोग करने के लिए वापस आई तो उसने मुझे एक जोरदार लात मारी और मुझसे कहा कि तूने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझको समझाया था लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा उस स्त्री को जरूर मिलेगी। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उस रात कर्ण पिशाचनी ने मेरे साथ इतनी भयानक तरीके से संभोग किया कि मेरे गुप्त अंग से खून भी निकलने लगा था। मेरी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि वो चाय वाली की बेटी आखिर गई तो गई कहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि वो अपने पिताजी के पास एक रात रुकने के लिए गई हुई थी क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद मैंने सुना कि उस लड़की की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और उसको सुबह से खून की उल्टियाँ हो रही हैं। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि इसको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। दरअसल कर्ण पिशाचनी उस लड़की का खून पी रही थी और एक ऐसा समय आता जब उसके शरीर से पूरा खून निकल जाता तो उस लड़की के शरीर से उसकी आत्मा भी निकल जाती और तब जाकर कर्ण पिशाचनी शांत होती। मैंने उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और दूसरी तरफ मैं अपने दुकान में आकर बैठ गया। लेकिन अब कर्ण पिशाचनी की तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं आता तो मैं समझ गया कि कर्ण पिशाचनी अब मुझसे गुस्सा है और इसका हल अब मैं कैसे निकालूं। तभी मुझे याद आया कि उस किताब में ही इसका हल लिखा होगा। मैंने तुरंत वो किताब खोली और जब मैंने पढ़ा तो सच में उसमें इस समस्या का हल लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि अगर आपने गलती से किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना लिया है तो कर्ण पिशाचनी को शांत करने के लिए इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको 3 दिनों तक ये खतरनाक साधना करनी होगी। उसमें लिखा था कि आपको शमशान में जाकर एक लड़की की लाश को लेकर उसके ऊपर तंत्र क्रियाएं करनी थी। साथ ही 10 बोतल दारू, 2 बड़े बड़े बकरे और 1 भैंसा और भी छोटी मोटी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। फिर मैंने इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम किया और उस चाय वाले से मैंने ये बोला कि मुझे 3 दिनों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी साधना करनी है, तो आप अपनी बेटी का ध्यान रखें, मैं 3 दिन के बाद ज़रूर वापस आऊँगा। फिर मैंने शमशान में जाकर ये साधना चालू कर दी। जब मैं साधना कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था लेकिन मैंने हिम्मत करके किसी तरह ये साधना जारी रखा। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा दिन भी आया फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे और आखिरी दिन जब मैं साधना कर रहा था तो उसके ठीक 3 घंटे के बाद मुझे उस लाश में कुछ हलचल महसूस हुई और धीरे धीरे वो लाश उठकर बैठ गई। उसके मुंह से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी। फिर उस किताब में लिखा था कि जैसे ही वो लाश उठकर बैठे तो तुरंत ही उसके मुंह में दारू की बोतल लगानी है। फिर मैंने दारू की बोतल जैसे ही लगाई उसने तुरंत ही घट घट करके पूरा पी लिया और इसी तरह उसने 10 बोतल पूरी पी डाली। फिर इसके बाद उस किताब में ये लिखा था कि उस बकरे को उसके सामने रख देना है। जब मैंने दोनों बकरों को उसके सामने रखा तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस लाश ने उन दोनों बकरों के सर को पकड़ा और तेज़ी से उल्टा घुमा दिया। दोनों बकरे चिल्लाते चिल्लाते उधर ही मर गए और फिर उस कर्ण पिशाचनी ने उन दोनों का खून पीकर एकदम खोखला बनाकर फेंक दिया। अब बारी आती है उस बड़े से भैंसे की। वो लाश अपनी जगह से उठी और उसके गर्दन में अपने दांत को धंसाकर उसका पूरा खून पीने लगी और लगभग आधे घंटे के बाद वह भैंसा तड़प तड़प कर मर गया। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा शरीर डर के मारे कांप रहा था लेकिन उस किताब में यह भी लिखा था कि ये सारी क्रियाएं होने के बाद कर्ण पिशाचनी तुम्हारे साथ लगातार 2.5 घंटे तक संभोग करेगी, उसके बाद ही उसका गुस्सा शांत होगा। अब धीरे धीरे वो लाश मेरे करीब आने लगी और फिर से वही सारी क्रियाएं चालू हुई जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उस कर्ण पिशाचनी ने मेरे साथ इतनी भयानक तरीके से संभोग किया कि अब मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब होती जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की पूरी ताकत जैसे ख़त्म हो रही है और मेरे गुप्त अंग से बहुत सारा खून निकलने लगा। 2.5 घंटे के बाद कर्ण पिशाचनी शांत हुई और मेरे कान में यह कहकर चली गई कि अगर तूने फिर से गलती की
तो सोच लेना कि तेरा क्या अंजाम होगा। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। मैं शमशान में उसी तरह बेसुध पड़ा रहा। जब सुबह मेरी आँख 5:30 बजे खुली तो मैंने जल्दी से उस लाश को जलाया और फिर नहाया धोया, कपड़े पहने और तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा तो मुझे पता चला कि अब वह खतरे से बाहर है। मैंने उस चाय वाले से कहा, मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस जरूर आऊँगा। और मैंने उसको कुछ पैसे दिए और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग गया, क्योंकि अगर मैं उसके साथ दोबारा रहता तो शायद कर्ण पिसाचनी उसको जिंदा मार डालती और मुझे भी नहीं छोड़ती। फिर मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और मैं कानपुर के लिए निकल गया। कानपुर पहुंचकर मैं एक बड़े से ढाबे पर रुका। मैं आपको बता दूं कि अब मैं बिल्कुल एक बाबा की तरह ही वस्त्र पहनकर रहता था। जब मैं ढाबे पर बैठा हुआ था तो ढाबे का मालिक मेरी तरफ आया और बोला, महाराज कहिए आप क्या लेना चाहेंगे? तो मैंने कहा, मुझे बस एक कप चाय दे दो। थोड़ी देर के बाद वो मालिक खुद ही मेरे पास आया और उसने मुझे चाय का प्याला पकड़ाया और मेरे सामने कुर्सी पर हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने कुछ ना बोला और सीधा चाय पीने लगा। कुछ देर के बाद मैंने मन में ही सवाल किया कि बताओ ये कौन है और इसकी क्या समस्या है। तभी मेरे कानों में आवाज़ आई कि इसका नाम हरीश बाबू है और यह अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसकी पत्नी कई बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। साथ ही ये कभी भी बाप नहीं बन सकता है और इसकी कोई भी औलाद नहीं है। कर्ण पिसाचनी ने यह भी बताया कि इसकी पत्नी के प्रेमी ने इसकी पत्नी के साथ संभोग किया है, जिसकी वजह से इसकी पत्नी गर्भवती हो गई है। लेकिन ये बात ना तो इसको पता है और ना ही इसकी पत्नी को पता है। तभी मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। मैंने कहा, हरीश बाबू, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारी कोई भी संतान नहीं है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्से में रहते हो। और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी पत्नी कई बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। इतना सुनते ही जैसे ही वो हक्का बक्का रह गया, वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा। फिर उसने रोते हुए कहा कि महाराज, मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है और मेरा इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन मेरा कोई भी औलाद नहीं है। मेरे मरने के बाद आखिर ये सब कौन संभालेगा? तो मैंने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात, मैं ये समस्या चुटकी में हल कर सकता हूँ। तो उसने कहा, महाराज अगर आपने मेरी ये समस्या का समाधान कर दिया तो मैं आपको 2,00,000 रुपये इनाम के तौर पर दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आ गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, कल शाम को तुम मेरे बगल वाले होटल में आ जाना जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो उस ढाबे वाले ने कहा, महाराज आप मेरे होते हुए होटल में रुकोगे? आप मेरे सीधा घर चलिए। तो मैंने भी कहा, ठीक है चलो। तो वह मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया और रात के करीब 8:30 बजे वह मेरे पैर दबा रहा था। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक जादुई चूरन है जिसको खाने के बाद तुम बाप बनने के काबिल हो जाओगे। मैंने उसको ये भी बताया कि तुमको इस चूरन को खाने के बाद 1 हफ्ते तक अपनी बीवी के साथ लगातार संभोग करना होगा और ठीक 1 महीने के बाद तुमको खुशखबरी मिल जाएगी। इतना सुनकर वह ढाबे वाला काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी आई। मैंने उस आदमी को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसकी पत्नी आकर मेरे कदमों के पास बैठ गई। मैंने उसका पूरा चिट्ठा खोल डाला और मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुमको प्यार करे तो तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को एक बेटा चाहिए, तो तुमको यह जादुई चूरन खाना होगा और 1 हफ्ते तक अपने पति के साथ लगातार संभोग करना होगा और ठीक 1 महीने के बाद तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया और ठीक 1 महीने के बाद उनको खुशखबरी मिली, जिसकी वजह से वह ढाबे वाला काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और वह अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा। उस ढाबे वाले ने अपने मकान के बगल में ही एक छोटे से मकान में मेरे रहने का इंतज़ाम कर दिया था। उसने मुझे 2,00,000 रुपये दिया और मेरे पैर पकड़कर बोला कि महाराज आप धन्य हो, जिसके लिए मैं जीवन भर परेशान था आपने उस समस्या का हल इतनी जल्दी कर दिया। फिर मैंने कहा, बेटा
यह मेरी नहीं, यह सब भगवान की माया है। इतना कहकर मैंने उसको जाने का आदेश दिया। अब मेरा जीवन काफ़ी अच्छी तरीके से बीत रहा था, लेकिन एक दिन ढाबे वाली की साली यानी उसकी पत्नी की बहन उसके घर घूमने के लिए आई थी, तो ढाबे वाले ने मेरे बारे में उसे काफ़ी कुछ बता रखा था, जिसे सुनकर उसकी साली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई और मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हो गई। और ठीक उसी दिन शाम को उसकी साली मुझसे मिलने आई। जब वो मेरे कमरे में आई तो मैं नहाकर निकला था और मैंने केवल एक तौलिया ही लपेटा हुआ था। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो वो शर्मा गई, लेकिन मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसने बोला कि महाराज, आप मुझे माफ़ करिएगा, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। तो मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आप कौन हो? तो उसने अपना पूरा ब्यौरा बताया। तब जाकर मैंने कहा, आप बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर 5 मिनट के बाद जब मैं उसके पास आया तो वो मेरे एकदम बगल में आकर बैठ गई, क्योंकि वो शहर से आई थी और एकदम खुले मिजाज की थी। उसने मेरे से इधर उधर की बातें की और धीरे धीरे उसकी और मेरी बातें बढ़ने लगी। अब वो रोज़ मेरे कमरे में आया करती थी। फिर एक दिन जब कर्ण पिसाचिनी संभोग करने के लिए आई तो पहले तो वो मुझे गुस्से भरी आंखों से देखने लगी। फिर उसने मुझे समझाया कि तुमने जो इससे पहले गलती की थी, अगर वो तुम दोबारा करोगे तो सोच लेना कि तुम्हारा अंजाम कितना बुरा होगा और मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगी। तो मैंने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसके बाद पिसाचनी ने मेरे साथ काफ़ी देर तक संभोग किया और जब वो संतुष्ट हो गई तो वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मैं उसी हालत में सोया रहा और जब सुबह मेरी आँख खोली तो उस ढाबे वाले की साली मेरे कमरे में आ गई और मुझे ऐसी हालत में देखकर शर्मा गई। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, ये मुझे नहीं पता था। और उसने दरवाजे पर कुंडी लगाई और अपने सारे कपड़े उतार कर मेरे पास आकर लिपट गई। मैं उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन मैं उसकी खूबसूरती के नशे में चूर था और उसकी शरीर की गर्माहट को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। फिर वो हुआ जो कर्ण पिसाचनी ने मुझे करने से मना किया था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैं उसके साथ संभोग कर रहा था, क्योंकि कर्ण पिसाचनी मेरे साथ हमेशा एक जल्लाद की तरीके संभोग करती थी। लेकिन इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। दोस्तों, आपने जैसा सुना होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी का उदाहरण आपको इस कहानी में सुनने को मिल रहा है। एक बार गलती होने के बाद भी यह इंसान दोबारा फिर से वही गलती करता है और शायद इस बार इस इंसान की ये आखिरी गलती होगी। और अब इसके साथ आगे क्या होने वाला था शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब ये सारी क्रियाएँ हो गई तो उसकी साली वहाँ से शर्मा कर चली गई, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद ही कर्ण पिसाचनी आई और मेरे सीने पर एक जोरदार लात मारी, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें रुक सी गई हो। फिर कर्ण पिसाचनी ने चिल्लाते हुए कहा, अब तेरा क्या हाल होगा, ये तू खुद नहीं जानता, और अब तू मौत के लिए तरसेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। उस कर्ण पिसाचनी ने उस लड़की को एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। और जाते जाते उस कर्ण पिसाचनी ने यह भी कहा कि अब से तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। और जब से मुझे उस कर्ण पिसाचनी ने यह बात बोली थी, तब से मैं एक कोढ़ी बन गया हूँ और दर दर भीख मांगता रहता हूँ, लेकिन सब मुझ पर धित्कारते हैं। अब मैं मौत के लिए तरसता हूँ लेकिन मुझे मौत नहीं आती। लेकिन कर्ण पिसाचनी हर 10-15 दिन के बाद मेरा संभोग जरूर करती है, और जब जब वो संभोग करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण अब निकल जाएंगे, लेकिन कर्ण पिसाचनी की वजह से मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। और अब मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं आपको नहीं बता सकता। बस इसी तरह मेरा यह जीवन कट रहा है और आगे अब क्या होगा यह मैं खुद नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने भी नहीं किया है तो प्लीज कर लेना यार, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए इतनी लॉन्ग स्टोरीज बनाता रहूं, ताकि आप सुन सुनकर आपको काफी ज्यादा मजा आए, और ऐसी ही खौफनाक टॉपिक के ऊपर मैं स्टोरीज बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।